नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिमनास्टिक वाली में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आंसर की 12th फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं यही बताना चाहूंगी कि दोनों लैंग्वेज में है और जनरली ये टीचर्स की एक हेल्प के लिए है, गाइडेंस के लिए है। अगर इसमें कोई विवादित आंसर लगता है तो प्लीज मुझे जरूर बताएं, और वीडियो में कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा ताकि नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक ना हो। और कुछ स्टूडेंट्स भी इंटरेस्टेड होते हैं मेरा इवेल्युएशन कैसा है, मैंने कैसा किया है, तो उनके लिए भी काफी हेल्पफुल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, विकल्प मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किए हैं, यानी कि ऑप्शंस नहीं मैंने यहाँ पर लिखे, सीधा सीधा मैंने आंसर दिया है। विच डिजीज अमंग द गिवन ऑप्शन इज कॉज ड्यू टू डेफिशियंसी ऑफ विटामिन डी? तो करेक्ट आंसर इसका है रिकेट्स। जैसा कि सबको पता है, 21 जून को योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। 2024 में कौन सा था, मतलब कि कौन सा इंटरनेशनल योग डे हमने सेलिब्रेट किया था? तो वो है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ए हेल्दी पर्सन? तो 120 बाय 80 mmHg, यानी 120 बाय 80 mmHg। योग इज ड्राइव फ्रॉम द डैश वर्ड ऑफ संस्कृत। तो यहाँ पर है युज शब्द, कह लीजिए युज धातु से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, डैश आसना इज डन इन स्टैंडिंग पोजिशन, सभी को पता ही होगा ताड़ासन। फुल फॉर्म ऑफ BMI, बॉडी मास इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बाइज आर गिवन इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट ऑफ 2018? अगर 28 टीम है तो आपको कितनी बाई देनी है? बाई का सिस्टम सबको पता है कि ये हम नेक्स्ट पावर ऑफ टू से कैलकुलेट करते हैं। 28 टीमों से नेक्स्ट हाई पावर ऑफ टू जो है वो 32 बनती है, तो 32 में से -28 करना है, आंसर आ गया 4/4। बाई का प्रोसेस सबको पता होगा, वो यहाँ पर मेंशन नहीं करना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है एजर्शन रीजन वाला। एजर्शन दिया है सनलाइट इज अ सोर्स ऑफ विटामिन डी फॉर अस, ये बिल्कुल सही बात है। इसका रीजन जान लेते हैं, वो है विटामिन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। तो ये बात भी सही है कि विटामिन हमें बीमारियों से बचाते हैं, तो इसका जो ऑप्शन है वो मुझे बी लगता है, क्योंकि दोनों ही बातें करेक्ट हैं, यानी कि रीजन एंड अजर्शन बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों सही हैं लेकिन आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आगे है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रामुरल्स? तो इंट्रामुरल से आप क्या समझते हैं? देखिए, दो लैटिन शब्दों से निकला है, इंट्रा एंड म्यूरेलिस। इंट्रा का मतलब है भीतर, विद इन, एंड म्यूरेलिस का मतलब है वॉल, यानी कि वॉल के अंदर की चीजें। वॉल के अंदर की चीजें ईंटें नहीं है दोस्तों, कहने का मतलब है कि जो भी एक्टिविटीज हमारे स्कूल के अंदर होती हैं वो इंट्रा म्यूरल के अंदर काउंट होंगी। इसका उदाहरण मैं देती हूँ, शायद आपके समझ में आ जाएगा कि अगर हम 12th की बात करें तो 12th क्लास के अंदर कोई भी एक्टिविटी होती है तो हमारी होगी इंट्रा क्लास। अगर 12th क्लास की एक्टिविटी या कंपटीशन हम 11th से 10th से किसी और क्लास से कराते हैं तो वो होगा इंटर क्लास। और जो भी एक्टिविटीज हम स्कूल के बाहर जाकर यानी किसी अदर स्कूल के साथ खेलते हैं तो वो इंटर स्कूल होगा, और अगर अपने ही स्कूल में कोई एक्टिविटी कराते हैं तो वो इंट्रा स्कूल होगा। इसका आप अंतर समझ लीजिए। इंडोर आउटडोर एक्टिविटी अलग है, वो किसी और वीडियो में हम चर्चा करेंगे, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है सजेस्ट एनी टू एक्सरसाइजेस फॉर करेक्टिंग फ्लैट फुट। यहाँ पर मैंने दो मेंशन की है, अगर इसके अलावा आपको कोई और आती है तो वो भी आप लिख सकते हैं। टो कर्ल्स यानी कि पंजों को अंदर बाहर की तरफ मोड़ना, या कोई भी उनसे ऑब्जेक्ट उठाने की कोशिश करना। आप टॉवल भी रख सकते हैं जमीन पर, या पेपर के टुकड़े भी रख सकते हैं, और उनको अपने पंजों की यानी कि पैरों की उंगलियों से उठाने की कोशिश करते हैं तो उसमें भी आपके टो कर्ल्स होते हैं। दूसरा है हील रेज यानी कि एड़ी उठाना जमीन से, जैसे हम ताड़ासन में करते हैं उसी टाइप से है ये, सिमिलर एक्टिविटी आप कर सकते हैं। और आप कंचे भी अपने पंजों से उठाने की कोशिश कर सकते हैं, और स्किपिंग भी कर सकते हैं। उन एक्सरसाइजेज से भी फ्लैट फुट जो है वो काफी हद तक ठीक होने की संभावना होती है। आगे है व्हाट इज बैलेंस डाइट, संतुलित आहार क्या है? मेरी पिछली वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया था, और ये टॉपिक जो है 9th में भी है हमारे, 11th में भी है। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट,
प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज पदार्थ और पानी, यानी कि ये 6 पोषक तत्व होने ही होने चाहिए, और वो भी इन द राइट प्रोपोर्शन टू मीट द बॉडीज एनर्जी एंड न्यूट्रिशनल नीड्स फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड प्रॉपर बॉडी फंक्शन, तभी हम कहेंगे कि ये बैलेंस डाइट है, ये संतुलित आहार है। अगला क्वेश्चन है मैचिंग टाइप का, यहाँ पर मैंने करेक्ट आंसर दे रखे हैं। विटामिन डी जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। योग सूत्र महर्षि पतंजलि द्वारा, यूनिस कैनेडी श्राइवर जो है शी इज रिलेटेड विद स्पेशल ओलंपिक्स। अगला क्वेश्चन है सजेस्ट एनी 3 आसनास एज करेक्टिव मेजर्स फॉर अस्थमा, यानी कि अस्थमा के लिए सुधारात्मक उपाय के रूप में 3 आसन सुझाएं। बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन आप कोई भी 3 इनमें से लिख सकते हैं, जैसे भुजंग आसन जिसे हम कोबरा पोज कहते हैं, अर्धमस्तेंद्र आसन यानी कि हाफ स्पाइनल ट्विस्ट पोज, सुखासन, इजी पोज, और नीचे भी मैंने मेंशन कर रखे हैं गोमुख आसन, पर्वतासन, पश्चिमोत्तानासन, मत्स्य आसन और चक्रासन। इनमें से जो भी आपको 3 अच्छे लगते हैं या जिनके बारे में आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं वो आप लिख सकते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज काइफोसिस जिसे हम हंच बैक कहते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। इसके रीजन, ट्रीटमेंट एंड प्रिकॉशंस भी आपको मेंशन करने हैं। अगर दोस्तों आपको इनके स्टिक डायग्राम आते हैं तो वो भी साइड में आप लिख सकते हैं, इससे आपके क्वेश्चन को या इससे आपके आंसर को सपोर्ट मिलता है और चेक करने वाला भी खुश हो जाता है, देख कर ही उसको पता चल जाता है कि यस इस बच्चे को नॉलेज है, इसको कुछ आता है। अगर लिखने में भी कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है तो वो भी इससे कवर हो सकती है। काइफोसिस को जनरली हम हंच बैक के नाम से जानते हैं, और हिंदी में अगर जाने तो इसको हम कुबड़ भी कह सकते हैं। कमर पर ऐसा झुकाव होता है कि लगता है कि कुबड़ जैसा बन गया हो। इसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं? पुअर पोस्चर, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, डिजेनरेटिव डिजीजेस, कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स यानी कि बाय बर्थ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, एंड ऑस्टियोपोरोसिस। ट्रीटमेंट यानी उपचार क्या क्या हम इसमें दे सकते हैं? वो व्यायाम, वो एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे कि पीठ की मांसपेशियां हमारी मजबूत हो, मुद्रा में सुधार हो। मुद्रा में सुधार का एक आसान तरीका है दोस्तों, अगर आपका कोई साथी है तो उसको आप बोलें कि जब भी मैं गलत मुद्रा में बैठता हूँ या गलत मुद्रा में चलता हूँ तो मुझे करेक्ट करा दे। फिजिकल थेरेपी से भी करेक्ट किया जा सकता है। बियरिंग बैक ब्रेस एंड इन सीवियर केसेस सर्जरी का सहारा लेना पड़ सकता है। प्रिकॉशंस यानी कौन कौन सी सावधानियां हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी चाहिए? उचित मुद्रा बनाए रखनी चाहिए। नियमित व्यायाम के माध्यम से पीठ और कोर की मांसपेशियों को मजबूत कर सकते हैं, और भारी व्यायाम उठाते समय हमें पीठ पर दबाव नहीं डालना चाहिए। पीठ की बजाय हम अगर घुटने मोड़ कर काम करें तो उससे भी हमें इस काइफोसिस डिफॉर्मिटी में मदद मिल सकती है। कहने का मतलब है कि जब भी हमें अगर कोई भारी भरकम वजन उठाना है तो हम कमर की बजाय हमारे घुटनों की सहायता लें। अगला क्वेश्चन है इसी का दूसरा ऑप्शन, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। CWSN के लिए जो भी फिजिकल एक्टिविटीज आप कराते हैं उनके फायदे लिखने हैं आपको। एक्टिविटीज नहीं लिखनी है दोस्तों, फायदे लिखने हैं। तो यहाँ पर फायदे जो मेंशन कर रखे हैं वो है इम्प्रूव मोटर स्किल्स यानी कि मोटर कौशल में सुधार होता है, उनकी जो गतिविधियां वो करते हैं उसमें समन्वय यानी तालमेल बनता है, संतुलन बनता है और लचीलापन भी आता है, और ओवरऑल अगर हम बात करें तो उनके दैनिक काम काज में इससे मदद मिलती है। यही हमारा पर्पज होता है CWSN को फिजिकल एक्टिविटीज करवाने का। बूस्ट सेल्फ एस्टीम यानी कि आत्मसम्मान बढ़ता है, प्रमोट फिजिकल हेल्थ, एनकरेजेस सोशल इंटरेक्शन, उनका जो सामाजिक संपर्क है वो भी इससे बढ़ जाता है, उनको लगता है कि अब वो किसी से कम नहीं है और वो समाज में अच्छे से उठने बैठने लग जाते हैं। इट ऑल्सो इम्प्रूव मेंटल हेल्थ। अगला क्वेश्चन है चक्रासन के बारे में एक्सप्लेन करें। चक्रासन के बारे में मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मैंने लिख रखा है, आप पढ़ के चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने डायग्राम मेंशन किया है जिसको देखकर आपको क्लियर हो जाएगा कि यस ये प्रोसेस हो सकता है इसका। ये खड़े होकर भी कर सकते हैं और लेट कर भी कर सकते हैं। एक तरफ मैंने स्टिक डायग्राम बनाया है और एक तरफ मैंने प्रॉपर फिगर वाला डायग्राम बनाया है, आपको देखकर समझ में आ जाएगा। और मैं स्टूडेंट से भी निवेदन करूंगी अगर वो ऐसे साथ में मेंशन कर दें तो उनका आंसर भी बहुत अच्छा इससे लगेगा, और इसमें बेनिफिट्स भी आप लिखेंगे तो वो भी ठीक रहेगा। बेनिफिट इसके हैं,
बाहों, कंधों और पैरों को मजबूती मिलती है। रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन में भी सुधार होता है और बॉडी पूरा दिन एनर्जी से भरी रहती है। अगला इसका ऑप्शन है, व्हाट इज मेंट बाय प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ एनी टू स्पोर्ट्स कमिटीज। प्लानिंग का मतलब है ब्लूप्रिंट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि आपका जो ब्लूप्रिंट है उसको देख के ही पता चल जाना चाहिए कि फर्दर क्या एक्शन होने वाला है, आप कैसे कैसे प्रोग्राम को करने वाले हैं। साथ में इंग्लिश में मैंने मेंशन किया है POSD CORB, इसका मतलब है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग भी इसको कह सकते हैं, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। तो ये अगर सारे स्टेप्स होंगे तो आपका प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा ही होगा, उसमें मिस्टेक्स के जो चांस है वो कम होंगे। फंक्शन क्या क्या है, किसी भी दो कमेटीज के बारे में लिख सकते हैं। मैंने मेंशन किया है टेक्निकल कमेटी और डिसिप्लिनरी कमेटी के बारे में। इसके अलावा रिसेप्शन कमेटी, रिफ्रेशमेंट कमेटी, फर्स्ट एड कमेटी, जो भी आपको अच्छे से याद है उसी के बारे में आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर वीडियो में आपको कोई कमी लगती है तो आप मुझे सुझाव दें ताकि मैं उनको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करूं। आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। बाय बाय।